तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं वांडरिंग ड्यूड यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग आए हैं बीकानेर शहर की फेमस छतरियों पर, तो सागर नाम के गांव में। यहां पर राज परिवार का शमशान भी कह सकते हैं, जो बीकानेर राज परिवार के राजा थे उन सब का अंतिम संस्कार जो यहीं पर हुआ था। और जहाँ जहाँ पर भी किसी राजकुमारी राजा का अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ सब पर उन जगहों पर छतरियाँ बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे छतरियाँ बनी हुई है और हर तरफ ये पूरा प्रांगण में छतरियाँ बनी हुई है जहाँ पर राजाओं का और राजकुमारों का अंतिम संस्कार हुआ था। और यहाँ पर हर जगह पर बोर्ड भी लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है महाराजा, उनके पिता का नाम, जन्म और स्वर्गवास का दिनांक और साल सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर घूमेंगे, सारी छतरियाँ देखेंगे। और आर्किटेक्चर देखिए आप कितना शानदार है, काफ़ी शानदार आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये पुरानी छतरियाँ हैं और आगे कुछ नई छतरियाँ भी बनी हुई है। छतरियाँ यानी जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ राजाओं का, उन जगहों के ऊपर इस तरह की संरचनाएँ बनाई गई थी। सो पूरे परिसर में घूमेंगे और देखेंगे कि किस तरह की छतरियाँ हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर है। सो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर तीन छतरियाँ एक साथ बनी हुई है। ये छतरी है महाराजा पद्म सिंह जी की, जिनका स्वर्गवास 1683 में हुआ था। ये केसरी सिंह जी 1685 में स्वर्गवास हुआ। ये हैं मोहन सिंह जी, करण सिंह जी के पुत्र, इनका 1671 में। तो जो भी छतरियाँ देखेंगे आप यहाँ पर, हर छतरी के आगे बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ पर महाराजा गज सिंह जी की छतरी है, ये सबसे बड़ी। और गज सिंह जी काफ़ी प्रतापी शासक थे बीकानेर के, अगर आपको बीकानेर के इतिहास थोड़ा बहुत भी मालूम है तो। 1787 में स्वर्गवास हुआ। और यहाँ पर आनंद सिंह जी की छतरी है, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये वाली छतरी आनंद सिंह जी की। जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मूर्ति भी बनाई हुई है आनंद सिंह जी की। ये जो इस दीवार के गेट बने हुए हैं देखिए, काफ़ी पुराने टाइम के और पुराने तरह के बने हुए हैं। और ये आगे वाला खुला है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ छोटा सा तालाब है सागर गांव का, और पीछे भी कुछ छतरियाँ हैं, उस तरफ भी हम जाएंगे। ये पूरा तालाब है, यहाँ पर ये सूखा हुआ है और थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, जिसमें ये शायद कमल की जो डंडियाँ और होती है, कमल और उगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग चलेंगे वहाँ पर उस तरफ पीछे की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कौन सी छतरियाँ हैं। बीकानेर की स्थापना के बाद में जितने भी राजा हुए, राजकुमार हुए, उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद में ये छतरियाँ सारी उनकी जगह पर बनाई गई। जितने भी राजा हुए और राजकुमारियाँ, महारानियाँ, यहाँ पर आप देखिए महारानी फूल कंवर जी लिखा हुआ है, इनका स्वर्गवास 1785 में हुआ। जितने भी महाराजा हुए, राजकुमारियाँ, कहें कि राज परिवार की जो रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर थे जिनका स्वर्गवास होता, तो यहाँ पर उनकी छतरियाँ बनाई जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि राज परिवार का शमशान घाट ये है। यहाँ पर सिर्फ राज परिवार के लोगों का ही अंतिम संस्कार होता था और आज भी होता है। और ये श्री दीप कुंवर सती माता जी का मंदिर, अंदर से देख सकते हैं क्या? अंदर देखते हैं माता जी का मंदिर। ये है सती माता, जहाँ पे सती हुई थी, राज परिवार की सदस्य थी। यहाँ पर अंदर ढोल नगाड़े आरती के टाइम बजाने के लिए रखे हुए हैं।
क्या नाम है भाई आपका? नटवर। नटवर, तो बताओ थोड़ा सती माता जी के मंदिर के बारे में और थोड़ा बहुत भी, मतलब दीप और सती माता यार है, क्या नाम, मोती सिंह की वाइफ है या भी यार पीछे, मतलब कि होड़ा है, सती होड़ा है। अच्छा, और मैन करवा चौथ रे दिन बिदन यार जन्मदिन हो, करवा चौथ रे दिन जन्मदिन हो बेदिन सती हुआ। पीछे आप मंदिर देख रहे हैं दीप कुंवर सती माता जी का, ये महाराणा थी बीकानेर की और मोती सिंह जी की वाइफ थी। और कहते हैं कि करवा चौथ के दिन इनका जन्मदिन आता था ना, और उसी दिन ये सती हुई थी महाराजा के साथ में। तो ये वही जगह ना ये जहाँ पे सती हुई थी माता जी, और यहीं पे छतरी बनाते हैं ना, जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहीं पे छतरी बनाते हैं। तो यहाँ यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था। नहीं बनी है यहाँ पे, ब्रह्मा कुमारी जी वहाँ पे आज्ञा नहीं है जाने की। क्या नाम है? पद्मा कुमारी जी। पद्मा कुमारी जी, नरेंद्र सिंह जी भाई। अच्छा, यहाँ पे पुरानी तरह की छतरियाँ खत्म हो जाती है, यहाँ से संगमरमर की और ग्रेनाइट की बनी हुई छतरियाँ आपको मिलेगी नई तरह की। जो पुराने टाइम का आर्किटेक्चर है बहुत बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं पीछे कितने शानदार तरीके से छतरियाँ बनाई गई है, और मार्बल को ग्रेनाइट को कितना शानदार तरीके से काट के कितना शानदार बनाए हुए। तो यही खासियत है बीकानेर की संस्कृति की, जहाँ पर आपको बहुत ही शानदार चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, घूमने के लिए। और यहाँ पर गंगा सिंह जी की छतरी भी है, जो कि बीकानेर के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। ढूंढ रहे हैं बोर्ड कि कौन सा है गंगा सिंह जी का। लक्ष्मी सिंह जी, सरदार सिंह जी, जितने भी राजा महाराजा, राजकुमारियां, महारानियां, सबकी छतरियां यहाँ पर बनी हुई हैं। इनके ऊपर जो कार्विंग है वो देखिए, श्री कृष्णा, राधा और इनकी चित्रकारी की हुई है छत के ऊपर, बहुत ही शानदार। दीवार के उस साइड पुरानी तरह की छतरियाँ बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है, और इस तरफ जितनी भी छतरियाँ हैं सारी नई है, अद्भुत, अकल्पनीय, बहुत ही शानदार। तो फिलहाल हम लोग ढूंढ रहे हैं गंगा सिंह जी की छतरी, और हमें मिल चुकी है गंगा सिंह जी की छतरी, जो कि सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। 1943 में इनका स्वर्गवास हुआ और जन्म 1880 में हुआ था। और ये जो छतरी यही है महाराजा गंगा सिंह जी की छतरी। क्या आएंगे ये है गंगा सिंह जी की छतरी। इन छतरियों के बाद में इस तरफ जो छतरियाँ बनी हुई सारी नई स्टाइल की बनी हुई है, नई तरह की छतरियाँ, जो अभी के समय के राजकुमार और थे जिनका निधन हुआ था, या महारानी साहिबा राजमाता थी, उनकी छतरियाँ बनी हुई है नई स्टाइल में। और इधर पुरानी, और इस तरफ ग्रेनाइट और मार्बल की।